लेकिन अज मेरी सारे रिक्वेस्ट है कि जेडे मैं दो इशू लेके आ रहा सवाल जवाब भी उन्होंने करांगा ताकि मेरे जेड़ा एजेंडा है वो डाइवर्ट ना हो सरकार दे विच बहुत ऐसे इशू होंगे जेडे कि तुसी होर भी रेज करना चाहते होंगे वो किसी टाइम फेयर करना कि नहीं तो यह ना हो कि कोई ऐसी गल छेड़ लो जी ऐड लेके मैं वोट पा सकता ए संबंध च मैं ले लाँगा इस तो बिना तुसी ही ना करे हो मैं होर कोई गल नहीं करनी ए बारे च करा सो सब तो पहला तो आप सारिया नू पंजाबियों नू देशवासियों नू आने वाली दिवाली दी बहुत बहुत बधाई हो बहुत बहुत शुभकामनावान पंजाब तरक्की करे आने वाले समय च ऐसी एक वखरा सुनहरा पंजाब सिर सकीए वधिया सिर सकीए उस लई मेरी शुभकामनावान है यही मेरी कामना है सो मैं बेनती करना चाहता है कि दिवाली के शुभ मौके से कर्मचारियों लई ऐसे एक बहुत बड़ा उपहार लेके आए अज तक कदे कर्मचारियों नू इस तरह का उपहार शायद नहीं मिलिया जिड्डा वड्डा मैं अज ले रहा और मैं थोनों ये दसना चाहता कि काफ़ी दिनों तो मेरे बन तो पहला भी कर्मचारी हड़ताल से सी फिर काफ़ी देर नहीं रहे हूँ कुछ दिनों तो सी अज सवेरे मेरी उन्होंने बैठ के गल हो गई है उपहार जिहड़ा मैं हुण थोनू दसना उन्होंने नाल डिस्कस हो गया तो उन्होंने मैं ये भी कमिटमेंट दी है कि इस सरकार का जिहड़ा रहिंदा टाइम है उदों तक चाहे कोई गल हो जाए इंपलाई हड़ताल से नहीं जाएंगे बैठ के गल कर ये भी साढ़े वास्ते बड़ी खुशी की गल है कि पंजाब सरकार आखिर इंपलाई के सिर पर चलती है अफसर के सिर पर चलती है वह एग्जीक्यूशन करते हैं जो सरकार दिया जिम्मेवारियां या सरकार जो काम करना है उसनु इंपलाई के थ्रू होता है ये कोआर्डीनेशन बहुत जरूरी है इंपलाईज की सरकार की कि वह रहे और कोआर्डीनेशन के नाल सही तरीके दे नाल सही नीत दे नाल पंजाब के फैसले लागू होन सरकार अगे वधे पंजाब तरक्की करे बड़ा जरूरी है मैं कर्मचारी यूनियन जिहड़ियां अज्ज मैनूं सवेरे मिलियां ते समूह कर्मचारियों का बहुत धन्यवाद करता कि उन्होंने एक इतिहासिक फैसला लिया कि असी जे कदे कोई गल होंदी बैठ के करांगे हड़ताल नहीं करांगे सो उस संदर्भ दे विच 440 करोड़ रुपये हर महीने ऐसी कर्मचारियों नूं जारा देण जा रहे हैं डीए दे रूप दे विच उन्हां दा ऐसी 11% डीए दे विच वाधा कर दिता अज तो असी इस हूँ इन लागू कर रहे टोटल 14% पेंडिंग है लेकिन 3% अजे हूने हो प्रोसैसिंग होएगी वह सारा कुछ होगा लेकिन 11% असी लागू कर रहे इसलिए कर्मचारियों ये मैं थोड़ा सारी डिटेल दसागा ये बारे जी होर डिटेल देना चाहते हो ते 11% असी दे रहे ते इहदे विच 440 करोड़ रुपया पर मंथ सरकार नूं एक्सट्रा देना पए करेगा इहदे वास्ते सारे कर्मचारियों नूं बहुत बहुत बधाई मैनूं भी बधाई दे दो मेरी घरवाली की तनखाह बच जाणी है तां मैं उहनूं भी जाके दऊंगा मेरी बिजली का बिल मेरी वाइफ दिंदी है और जब बिजली का बिल आता है तो मेरे ना अखा जी औखिया जी कट के देखती हर बार इन्ना बिल मैं कितने जमा करा खाते चो जाता है सो वह भी मैं हूँ नबेड़न लगा
गया कि मैं घर भी थोड़ी जी खुशी मिले और हर एक पंजाबी अपने घर खुशी मिले। देखो गल है कि पंजाबियों वास्ते ज्यादातर छोटी पई भी है, पैर बाहर कटे हुए सरकार ने, खर्चे इन्ने पेंदे है कि वह झले नहीं जाते। मैं एक सर्वे कराया सी हुणे, उहदे लोग कहिंदे आ यार फीस दे के बिजली का बिल दे के बच्चों की फीस नहीं बचती, या बिजली का बिल दे के फिर घर किस तरह चलाना है। तो बिजली का बिल एडे एडे वे आने लगे हुए है जिदे करके लोगों का नुकसान हो रहा है। एक बड़ा भारी इशू पंजाब दे विच बनिया होया कि बिजली हो गई है क्या हो गई, असीं घर किस तरह चलाना। सरकारां नूं इस तरीके दे टैक्स और उगराही या बिजली दे होर पानी दे खर्चे अपने नागरिकां ते पाउणे चाहीदे जिहड़े ओह सही तरीके नाल सह सकण झल सकण। जे सरकारां ही टैक्स इन्ने लगा देणगियां कि उहनां दे वित्त तों बाहर हो जाएगा, फिर माहौल बिगड़ता, फिर सुइसाइड हुंदे आ, फिर घरां दे विच कलेश हुंदे आ। कहिंदे जिहदे घर विच दाणे उहदे कवड़े वी सियाणे, जद घर दे विच तंगी आउंदी उहदे लड़ाइयां शुरू हो जांदियां। आ साडा बिजली दा बिल तंगी देई जा रिहा। सो अज असीं इहदा मसले नूं हल करन जा रहे कि बिजली दे बिल तों घट ते घट परेशानी ना होवे। सो अज सरसम्मति दे नाल साडी कैबिनेट ने जो फैसले ले उहदे विच मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां कि ऐसी हर चीज नूं ऐवें नहीं है कि कईआं नूं इह वी गल हो जांदी कि जे वोटां आ गईआं तां शायद तां इह कोई फायदा दे रहे, नहीं इस तरह नहीं। मैं ते मेरी कैबिनेट ते असीं सारे जाने बहुत सोच विचार के रात नूं सारी सारी रात ला के सोचदे आ कि किस तरह साडे FMP इस दे विच कि किस तरह जे पैसे दी कोई राहत देनी है तां उह जनरेट कित्थों करना है, उहदा हल किस तरह कढ़ना है। बिजली दे कम्मां दे विच ही बिजली दा हल सी लेकिन कर नहीं सी रहीआं सरकारां। तुसीं इह देखो कि GVK साडा जिहड़ा गोइंदवाल वाला उह सानूं 670 रुपये पर यूनिट बिजली दे रहा है, और जदों वह बनया है तो कोई टेंडर नहीं कटिया, कोई किसी से बिड नहीं लिया, दो जने बैठे इधर सरकार बैठ गई इधरों बैठ गए समझौता करके भी चलो इन्ने रुपये वर्गा चलो खत्म। जे कंपीटीशन होया उनका सही रेट आते हूँ सानू 670 रुपये बिजली उन्हों की पैंती है। सो ऐसी उन्हां दी टर्मीनेशन दा नोटिस देता है, वो महंगी बिजली लेनी बंद कर रहे हैं। ऐसी हुण अपना टेंडर कढ़िया है 500 MW का, उहदे सानू जिहड़ी बिजली दा रेट आया 2.38 रुपये सानू बिजली मिल लगी। सोलर पावर ऐसी नवा टेंडर दिता है, पिछले सरकारां ने 670 रुपये लेना करिया हुआ, ऐसी 2.38 रुपये लेन लगे हैं बिजली। तो जेडे 70 रुपये वाले 6 रुपये वाले JVK वर्गे वो है उन्होंने ऐसी कैंसल करना है, उन्होंने टर्मीनेशन कर रहे सारा पूरा सिस्टम आने वाले PPA। हाँ जी PPA टर्मीनेट कर रहे। तो यह सैशन के असी तिने जे सारे पावर प्लांट हैं इन्होंने तिना के PPA दुबारे तो कंसीडर करा विधानसभा सरकार नवे बिल लेके जाए। तिना बारे क्या क्या वो थोड़ा अजे असी नहीं पंडोरी खोलते, मौका आएगा वह भी खोला किस तरह अभी करना, फिर वो क्या है इतों कोई स्टेटमेंट हो जाए तो वो अगले कोटा बन चले जाते होर बन चले जाते। लेकिन असी इन तिना के बिलों एग्रीमेंटा दोबारे रीकनसीडर कर रहे हैं, लैजिटेशन लेके जावे तो विधानसभा के डिस्कस करा जिमें विधानसभा चाहेगी पंजाब के हकों वास्ते उस तरह इस अगे सोचा जाएगा। अजे तो मैं कहा ही नहीं 2.33 रुपये साडा सोलर का रेट आया जिहड़ा कि मैं तुहानूं हुणे दस्सिया। सो ऐसी यह तरीका अपनाया कि आप घर सस्ती खरीदिए। अज साडा जिहड़ा रेट है तुसीं हैरान होवोगे कि अज जिहड़ी असीं रेट ते बिजली खरीदी है वह
2 रुपये 60-65 पैसे सानू आज बिजली मिली है थर्मल दी थर्मल एक्सचेंज दे विच पावर चेंज तो सानू 2 रुपये 65 पैसे बिजली मिली है यह साडे काबिलियत अफसर दी है साडी सरकार दी है कि ऐसी बिजली सस्ती खरीदनी शुरू कर दी है सस्ते टेंडर कर ले है महंगे दे टेंडरां दे दुबारे विचार करन जा रहे हैं इसलिए आज ऐसी पंजाब दे लोकां नूं बिजली दे रूप दे विच बड़ा तोहफा दिवाली दा देण जा रहे हैं कि सारे रेट 3 रुपये घट कर रहे हैं 0 तो लेके 7 किलोवाट तक दी जिहड़ी स्लैब है जिहदे विच 95% पब्लिक दे लोक आउंदे है 95% लोकी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ 4 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਲੋਕ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਹੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਹੀ ਮਿਲੇ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਛੋਟੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਵਾਟ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ 100 ਵਾਟ ਤੱਕ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰੇਟ 1 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਏ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰੇਟ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 100 ਤੋਂ 300 ਤੱਕ 4 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ 4 ਰੁਪਏ 1 ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਵੱਬ 5 ਰੁਪਏ 76 ਪੈਸੇ ਰੇਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਲਗਭਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਘੱਟ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 2,38,000 ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ 72,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 72 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਹ ਵਿਊ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਰੀਮ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੇ BBAC ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਿਓ ਕਰੀਮੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 5% ਹੈ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਐਂਡ ਆਰ 95% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹਤ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਟਿਕਾਊ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਸਤੀ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ
बिल्कुल जायज ऑन मेरिट ऐसी ये काम कर लगे हैं। सो ये बहुत ही वड्डा जिहड़ा फैसला साड़ी अज कैबिनेट ने लिया, मैं अपने कैबिनेट के साथियों का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। मैं थोनों वो बारे दस रहा जी, 3316 करोड़ रुपया सानू सरकार नू इहदे सबसिडी दे रूप देना पएगा पर ईयर पर एनम। तो ये भी दस देना चाहना कि दिल्ली दे विच टोटल सबसिडी टोटल जिन्नी वह देंदे हैं वह 2200 करोड़ है। तो पंजाब दे विच साड़ी जिहड़ी सबसिडी है वह 3316 करोड़ का अज असीं ऐलान कर रहे हैं। 10628 करोड़ पहला दे रहे हैं, 14000 करोड़ दिल्ली नालों 7 गुणा ज्यादा। जो ऐसी बचा रहे हैं वो कंज्यूमर नु डाइवर्ट कर रहे हैं, सरकार ने बचाएगी ऐसी कंज्यूमर ने फायदा दे रहे हो चीज़ ऐसा है। ये कैलकुलेट होएगा जिम्मे जिम्मे कंजम्पशन आएगी। हुण जिस तरह यह है कि जे 300 यूनिट फ्री कर दो तो 100 बांटने वाला भी 300 बांट लग जाएगा, वो साडा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बन चक सकेगा। 300 यूनिट माफ जे करनी है तो सानू पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारे तो बनाना पड़ेगा। नहीं मैं तो नहीं कहा कि ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि जी सानू क्वालिटी बिजली दो ते सानू सस्ती ते सही बिजली दो पूरे टाइम दो लोग के चाहते। लेकिन फिर भी सरकार वालों पहला तो ही 200 यूनिट तक 21 लाख कंज्यूमर की बिजली माफ है, ऐसी और रेगुलर माफ रख रहे हैं, किसी की वापस नहीं ले रहे। फिर क्लियर कर देव 21 लाख कंज्यूमर 72 लाख 200 यूनिट पहले ही पंजाब सरकार माफ कर रही है और उन्होंने हैगी है 1 किलो वाट तक जिन्हा एग्जिस्टिंग स्कीम कंटिन्यू रहेगी। ऐसी यह नहीं है कि जी जिन्होंने फ्री मिल रही थी 200 यूनिट उन्होंने वापस ले लेंगे, उन्होंने उसी तरह कंटिन्यू रहेगी। उस तो उपर उन्होंने भी फायदा होगा जी वो 200 तो बद बाढ़ दे। दिल्ली च क्या है कि जी थोड़ी 300 यूनिट माफ है लेकिन जो 301 होगी तो 300 ही पैसे पैणगे। वो काम साढ़े पास ये चोर बाजारी या ये ड्रामेबाजी नहीं है पंजाब सरकार को। पंजाब सरकार ने 200 यूनिट तक 21 लाख कंज्यूमर की जेडे कि 1 किलोवाट तक के कंज्यूमर है गरीब है बहुत उन्होंने माफ की हुई उन्होंने 200 यूनिट माफ रहेगी। उस तो अलावा जे वो 200 के उपर बाढ़ते हैं ता भी उन्होंने 3 रुपये बिजली सस्ती कर दी है, तो बाकिया की भी सस्ती कर दी है। ये जेड़ा असी 3 रुपये यूनिट रेट दे अज माफ किया है, ये कोई जात का कम नहीं है, ये कोई धर्म का कम नहीं है। ये सिंपल ये है कि 7 किलोवाट तक जिहदा भी लोड है चाहे वह शहरी है चाहे पेंडू है चाहे किसी बरादरी का चाहे किसी धर्म का वो घर वास्ते सारियां नूं असी 3 रुपये बिजली सस्ती कर सेपरेट इशू है। अज असी ये देखो पब्लिक की पल्स सानू पता लगनी चाहिए कि सरकार पब्लिक पब्लिक बनाती सरकार पब्लिक बनाती है तो पब्लिक के अनुसार फैसले होने चाहिए। इस करके असी जो भी फैसला लेंदे हैं पहला पब्लिक के बंदे भेजते हैं हर पिंड तो रिपोर्ट ले दी है। मैं ये जो सर्वे कराया ये हर पिंड बंदे भेज के लोगों को पूछा उदाहरण किया गया अगे नो भी जो फैसले पंजाब सरकार लेगी पहला पब्लिक के बंदे भेज के उन्होंने व्यूज लेके असी उहदे अपना फैसला खड़ा करा। जेड़ा 2 किलोवाट तक 2 किलोवाट के बिजली दे मैं तुहानू दस देना चाहुंदा 2 किलोवाट तक दे 53 लाख कंज्यूमर जिन्हां दे पिछले सालां दे बकाए खड़े सी वो ऐसी टोटल बकाए माफ कर दिते हैं।
ਉਹ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ जिस तरह उन्होंने अज हड़ताल खत्म करी है मैं उन्हां दा बहुत धन्नवादी है इंप्लाई दा कोई मसला नहीं है अपने विचार कर लेने क्या कारण है क्योंकि यह है कि 2 महीने के बिल देने सौखे हो जाते हैं पार्ट पेमेंट का जो तुम कहो प्रोविजन कर देने के 1 महीने बाद जिनी है उन्नी कर दो पर देरी तो देख लेने ये राहत दिल से कमी नहीं आएगी सीएम साहब कंज्यूमर तक सीमित सी पर बिजली दा इन्हां ने फैसला कीता है एमएसएमई जिहड़ियां मिडिल मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 300 ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ